हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिर ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में 18 क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। एंड डेली बेसिस पे मैं इसी तरह आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराती हूँ जो आपके एग्जाम में 100% आने लायक होता है। फालतू की चीज़ें यहाँ पर थोड़ा भी प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, एकदम केवल कॉन्सेप्ट पर बात किया जाता है। और फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी टॉपिक के सीरियल बाय थ्योरी सेशन डिटेल में बताया गया है। एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस और डेली बेसिस प्रैक्टिस, ये सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सभी चेकआउट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। एंड जो भी एग्जाम आपके सर पर है अभी, एमपी शिक्षक भर्ती खेल शिक्षक जो है वर्ग 2-3, इसका आपके पास टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए आप सचेत हो जाइए। एंड और जो भी एग्जाम है, यूपीटी, जीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड एंड ईएमआरएस, तो दोस्तों समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के सेशन में। छोटा सा वीडियो है एंड 18 क्वेश्चंस हैं, आप चेकआउट कीजिए 18 में से आपका कितना सही होते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है? तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है एल एन आई पी ए लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्वालियर। तो लक्ष्मीबाई महाविद्यालय जो ग्वालियर है मध्य प्रदेश में, यह 1957 में स्थापित हुआ था, ये बात राइट है। एंड LNCPE यानी नेशनल लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसका एक शाखा तिरुवनंतपुरम केरला में 1985 में बनाया गया। एंड ग है LNIPE गुवाहाटी। गुवाहाटी में LNIPE 2010 में इसकी एक शाखा बनाया गया। तो ये तीनों राइट है, बट LNCPE का कोई शाखा मद्रास में नहीं है, ये आपका असंगत है। नेम संधि में से कौन सा जुड़ा असंगत है? दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, सेंटर फॉरवर्ड हॉकी से रिलेटेड है, राइडर रेडर जो है कबड्डी से रिलेटेड है, चेजर खो खो से रिलेटेड है, बट राइट आउट आपका हैंडबॉल से रिलेटेड नहीं है, इसलिए यह विषम है, क्योंकि राइड आउट जो है हॉकी या फुटबॉल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, इनमें से विषम क्या है? तो सीन गार्ड, स्टड, सपोर्टर, ये तीनों चीज़ें फुटबॉल की सुरक्षात्मक उपकरण हैं, बट पैड आपका क्रिकेट के सुरक्षात्मक उपकरण हैं, ये असंगत है। नेक्स्ट है, इनमें से विषम क्या है? तो NCT, AICTE, NCERT, ये सभी संगठन हैं जो शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाए, शैक्षिक संगठन है, बट AVI नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से रेसिप्रोकल इनर्वेशन का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों, रेसिप्रोकल इनर्वेशन उसे कहा जाता है जब एंटागोनिस्ट मांसपेशी विस्तार की यानी शिथिल की अवस्था में हो और एगोनिस्ट मांसपेशी स्थिर हो, उसे कहते हैं रेसिप्रोकल इनर्वेशन। यहाँ पे एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट ग आपका राइट होगा। एगोनिस्ट उसे कहते हैं जब मांसपेशी कंट्रैक्ट होती है तो मांसपेशी के संकुचन जो मुख्य भूमिका अदा करती है उससे एगोनिस्ट कहते हैं, और जो उसकी विपरीत भूमिका अदा करती है उससे एंटागोनिस्ट कहते हैं। मान लीजिए आप डंबल अभ्यास कर रहे हैं, तो डंबल अभ्यास करते समय आप अपने अग्रबाहों को मोड़ते हैं, फोरआर्म को क्या करते हैं, फ्लेक्शन करते हैं, तो उस समय मोड़ते समय अग्रबाहों को मोड़ते समय मुख्य भूमिका अदा कर रही है बाइसेप्स मसल्स, तो यहाँ बाइसेप्स मसल्स आपका एगोनिस्ट हुआ, और उसकी विपरीत भूमिका अदा कर रही है ट्राइसेप्स मसल्स, तो ट्राइसेप्स मसल्स यहाँ पे एंटागोनिस्ट हुआ। नेक्स्ट है, हमारे श्वसन तंत्र को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो दोस्तों, श्वसन तंत्र हमारे जो भी हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, अनैच्छिक हैं, हमारी इच्छा अनुसार कंट्रोल नहीं होती हैं, उन सभी को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। कौन करता है? मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, पश्च मस्तिष्क का भाग मेडुला ऑब्लॉन्गेटा जो है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ब्लड सर्कुलेशन, पाचन तंत्र एंड हृदय तंत्र, इन सभी को नियंत्रित करता है। प्रेस है, एकमात्र भारतीय महिला जिमनास्ट जिसने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, दोस्तों, तो वो कौन है? वो है दीपा कर्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जुड़ा असंगत है?
तो यहाँ पे आपको देखना है घुटने का जो जोड़ होता है एक अच्छी होता है एक अच्छे में होता है, इसे हिंज ज्वाइंट या कोर संधि भी कहा जाता है, राइट है। एंड कलाई जो है अच्छी जोड़, दो अच्छे जोड़ होता है जिसे कॉर्डिलियर ज्वाइंट कहते हैं। एंड गर्दन जो है दी अच्छी जोड़ होता है, ये सभी राइट है। बट यहाँ पे कंधा जो है दी अच्छी नहीं होता, ये मल्टी एक्सियल जोड़ यानी कि बहु अच्छी जोड़ होता है, इसलिए यहाँ पे ये असंगत है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है? तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा यहाँ पे असंगत है। कॉर्निया जो है संवेदी तंत्र है, ज्ञानेन्द्रिय है, आँख का भाग है। एक्टिन जो है मांसपेशी तंत्र का भाग है, ये भी राइट है। लाइपेज जो है ओसा का पाचन करता है, पाचन तंत्र का भाग है, ये भी राइट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ जो है निफ्रॉन जो है तंत्रिका तंत्र का नहीं या उत्सर्जन तंत्र यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई है उसका भाग है, इसलिए यह गलत है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा असंगत है? तो यहाँ पे देखना है कि ग्रोथ हार्मोन्स, वृद्धि हार्मोन्स हम कहते हैं विटामिन ए को, एन एस सी टी एच ए हार्मोन्स निकलता है पीयूष ग्रंथि से, एंड लिटेंजिंग हार्मोन्स गोनेड ग्रंथि से निकलता है, एंड पैराथायरोक्सिन यह पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है, जबकि यहाँ पे थायराइड ग्रंथि दिया है इसलिए यहाँ पे यह असंगत है। नेक्स्ट है, जो आंकड़े शोध के लिए वास्तविक रूप से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो जो आंकड़े शोध के लिए वास्तविक रूप से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम रॉ डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉ डाटा कहते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से विषम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे विषम आपका देखते हैं दूती चंद्र, पीटी उषा एंड अंजू बाबी जॉर्ज, ये तीनों के तीनों एथलेटिक्स के ट्रैक एंड फील्ड से रिलेटेड है, बट बुला चौधरी जो है वह तैराकी से रिलेटेड है, इसलिए ये विषम है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जोड़ा असंगत है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा जोड़ा यहाँ पे असंगत है। तो यहाँ पे देखना है कि एपीमाइसियम फेसिया यानी संपूर्ण मांसपेशी को घेरता है, एंड एंडोमाइसियम एक मांसपेशी यानी फाइबर को घेरता है, एंड पेरीमाइसियम ये आपका फेजिकल, पेरीमाइसियम यानी कि फेजिकल यानी कि मांसपेशी समूह को घेरता है। यहाँ पे आपका एपीमाइसियम मायोफाइब्रिल को नहीं संपूर्ण मांसपेशी को घेरे रहता है, यह आपका ग आपका असंगत है। नेक्स्ट है, निम्न में से विषम क्या है? तो ए बैंड, एस जोन, जेड बैंड लाइन, आई बैंड, ये होते हैं आपके मांसपेशी में, मांसपेशी फाइबर में। तो जिसमें एच जोन जो है जब मांसपेशी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो एच जोन जो है वो विलीन हो जाती है, तो यहाँ पे एच जोन असंगत होगा, एच जोन विलीन हो जाती है बाकी विलीन नहीं होती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जोड़ा असंगत है? तो यहाँ पे आपको देखना है कौन सा असंगत है। तो गुर्दे यानी किडनी के भाग कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन, राइट है। मांसपेशी की कार्यात्मक इकाई सरकोमियर होती है, राइट है। एंड फेफड़े में एल्वोलाइज होते हैं जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, ये भी राइट है। बट चमड़ी न्यूरॉन आपका राइट नहीं है क्योंकि चमड़ी का संबंध डर्मिस से है और सब सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से विषम क्या है? तो यूनिफॉर्म एंड मल्टीपेनिफॉर्म, यूनिपेनिफॉर्म, मल्टीपेनिफॉर्म, बाईपेनिफॉर्म, ये तीन प्रकार की मांसपेशियाँ की संरचनात्मक इकाई है बट ट्राइपेनिफॉर्म नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या विषम है? तो दोस्तों मायोफाइब्रिल, सार्कोप्लाज्म, एक्टिन, ये तीनों की तीनों मांसपेशी से संबंधित हैं जबकि प्लेटलेट्स जो है रक्त से संबंधित है, इसलिए यह विषम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या विषम है? तो दोस्तों हैंडबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इन सभी में पुरुष या महिला खेलते हैं, बट कॉर्फबॉल एक ऐसा गेम है
जिसमें पुरुष और महिला दोनों एक साथ खेलते हैं, इसलिए यहाँ पे कार्फ बॉल आपका असंगत है यानी विषम है। तो इन क्वेश्चनों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रकार के अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको अगर डिटेल में पता रहेगा सभी चीज़ों के बारे में, तब आप विषम को छाट पाएंगे। तो अवश्य ही आपको इससे हेल्प हुआ होगा एंड आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए और डेली बेसिस पर इसी तरह आप प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका प्रैक्टिस होता रहे और आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले अपने आप को कॉन्फिडेंस फील कर सकें। तो दोस्तों, फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।